हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया, पंजाब का सुखदीप बाजी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का जो भी इटली में आने के लिए ट्राई कर रहा है, इटली का फुल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। आप लोग देख सकता है यह इटली का बॉर्डर है। मैं स्वीडन से लौट लेके आया था, अभी मैं ऑलरेडी इंटर हो गया इटली में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया, पंजाब का सुखदीप भाई पाजी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो भी भाई लोग इटली आने के लिए ट्राई कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इटली में है ना, जितना भी स्टार्टिंग में लाइसेंस कैसे बनाने का और लाइसेंस का प्रोसेस कैसा होता है और लाइसेंस के लिए कितना पैसा लगता है और बी सी के लिए क्या क्या प्रोसेस है, पूरा आज आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है सुखदीप भाई। मैंने आज मिला इधर इटली में और आप लोग के लिए हेल्प होता है और आप लोग के लिए है ना। और इटली का जो सैलरी भी है इधर है ना, जो भी अभी भाई को मेरी सैलरी पूछा था 2800 सैलरी है जो लोकल चलाता है और शाम को रूम में जाता है। और इटली में बहुत अच्छा है। और इधर दूसरा काम में भी आके आप लोग लाइसेंस बना सकता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर में आके बाद में आप लोग है ना, इधर आपका पास कार्ड बनेगा तो आप लोग एग्जाम देके भी लाइसेंस बना सकता है। लेकिन इधर का इटली का लैंग्वेज होना चाहिए आपका। इधर जो भी लाइसेंस बनता है इटली का लैंग्वेज में बनता है। और आज का इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है ना, हमारा सुखदीप पाजी आप लोग के लिए दे रहा है और आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू। अभी मेरा ब्रेक था इधर इटली बॉर्डर में 45 मिनट का, अभी ब्रेक पूरा हो गया, अभी मैं स्टार्ट करके जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को लिए ना वेरोना सिटी भी आप लोग के लिए विजिट कराता हूँ और हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए हेल्प होता है। और आप लोग भी देख सकता है ये इटली का पार्किंग है। और जब आप लोग एसटीए से आ रहे हैं तो फिर आप लोग इधर पार्क करके 45 मिनट का ब्रेक ले सकता है। अपना जो बिगिन कंट्री होता है अपना आई लेके वो भी आप लोग करना पड़ता है। और मैं आप लोग को लिए लेके जा रहा हूँ वेरोना। आप लोग देख सकता है ये इटली और ऑस्ट्रिया का हाईवे रोड है। और इधर का रोड ऐसा होता है जैसे मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। और आज मैं इटली में ना अनलोडिंग प्लेस में गया था, उधर हमारा दो एशियन भाई मिला जो फ्रॉम पंजाब का सुखदीप भाजी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जो भाई का इन्फॉर्मेशन है ना आप लोग के लिए भी शेयर किया, ये बहुत अच्छा भाई ने बताया था। और आज का इन्फॉर्मेशन आप लोग भाई आप लोग के लिए शेयर करेगा। जैसे मैं है ना नेपाली हूँ लेकिन मेरा नेपाली लैंग्वेज आप लोग नहीं समझता, इसके लिए मैं हिंदी में बनाता हूँ, सब भाई लोग के लिए बनाता हूँ। जितना भी एशिया का भाई लोग यूरोप में आने के लिए ट्राई कर रहा है उसके लिए हेल्प होता है। आप लोग देख सकते हैं मैं इटली जो ऑलरेडी पहुँच गया है। सत्रीकाल पाजी, सत्रीकाल सत्रीकाल हमारा पाजी भाई लोग इटली के ट्रक में। अभी हम लोग ऑलरेडी अनलोडिंग प्लेस में पहुंच गया। इधर भाई का ट्रक है, अभी भाई से मैं बात करूंगा। अब जा रहा है भाजी? नहीं नहीं अभी यहीं हूं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। आपको मिल के बहुत अच्छा लगा और आज हम लोग इटली में मिला पाजी से है ना। और आपका नाम बता दीजिए पाजी। मेरा नाम सुखदीप सिंह है। सुखदीप सिंह, इटली में रहता हूँ, 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए आप। और आप इंडिया, आपका इंडिया किधर है? इंडिया पंजाब में, जालंधर में। जालंधर में, आप जालंधर का है? जालंधर सिटी। आप इधर ड्राइविंग किया अभी कितना साल हो गए पाजी? अभी यहाँ पर हो गए मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए, 12-14 साल हो गए हैं को, पर अभी 4 साल ड्राइविंग करते हुए। बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जैसे है ना इंडिया से आया पहले, और इंडिया से आके आपका जो इधर का लाइसेंस है ना, इटली का जो लाइसेंस के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, जैसे आप लोग ने लाइसेंस कैसे बनाया और कितना पैसा इधर खर्चा होता है? लाइसेंस का भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा टफ है जी। टफ है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टडी ज़्यादा है, चीकुची है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिकल दो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। और थ्योरी क्लास, थ्योरी होती है, थ्योरी दो है, पहले तीन थी, अभी दो थ्योरी है। अभी तो आपका थ्योरी में जैसे पहले बी कैटेगरी होता है ना? पहले बी होता है जी, फिर उसके बाद ट्रकिंग का होता है। पहले बी कैटेगरी आप पास करके फिर सी होता है, सी और सीई डी डी ई बस का है वो। जी। और एक कोड 95 बोलता है उधर, कोड 95 उसका वो पहले मैंने जिकर किया, कोड 95 चीकुची उसको कहते हैं इधर, ऐसा सी क्यू सी इंग्लिश में। ओके।
और कोड 95 कैसा है इधर आपका? कोड 95 मेरा 5 साल का है वैलिड, 5 साल का जहाँ मिलता है वैलिड, फिर रिन्यू होता रहता है, फिर बाद में आसानी होती, बाद में कोई मुश्किल नहीं होती। उसके लिए एग्जाम कैसा है, हार्ड है? उसका एग्जाम थोड़ा हार्ड है। आपका पैसा कितना लगता है इसमें? वो उसका चीको चीका मिलाकर, वो सबका वो दो प्रैक्टिकल मिलाकर, थ्योरी देकर 6-7 हजार यूरो का खर्चा। 7 हजार 6 हजार लग जाता है, 6 हजार लगता है सारा कुछ डालकर। अभी जैसे आप पाजी ने पहले इंडिया में ड्राइविंग किया नहीं किया? इंडिया में नहीं किया, इंडिया में जीरो किया। ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने, ये तो बहुत अच्छा लगा। जो भाई लोग इंडिया में जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर ही स्टार्ट हो गए हम, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सिखाते हैं, यहाँ पर पहले सिखाते हैं, फिर वो साथ में बैठता है एग्जामिनर, उसके साथ बैठ कर हम सीखते हैं पहले, फिर वो ट्रेनिंग देता है, फिर उसके बाद हम जहाँ पर जॉब करते हैं, फिर वो 6-3 महीने ऐसे सिखाते हैं, फिर सीख जाता है आदमी। और यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइविंग आपको पता है यूरोप की थोड़ी आसान है। लेकिन आपने ना जैसे पहले ड्राइविंग नहीं किया, फिर भी आपने ड्राइविंग के लिए ये चॉइस किया, आपको कैसा लगता है ड्राइविंग? ड्राइविंग अच्छा लगता है, अभी तो हम लोकली करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। फिर भी आपने है ना इतना हिम्मत किया, जो भाई लोग है ना। हाँ, हिम्मत तो ये ऐसी है, स्ट्रगल करके किया, जो अपना पूरा जान जो झोंकनी पड़ती है जी। फिर होता है लाइसेंस ऐसे तो होता नहीं, हम मेरे पास भी गाड़ी का ही था, फिर बाद में सोचा मैंने, पर टफ है, 2-2.5 साल लग गए मुझे करते कराते, ये सारा कुछ इसका जो प्रोसीजर है वो करते कराते 2-2.5 साल लग गए। लेकिन आप लोग है ना जैसे पर अभी लाइफ सेट है, सेट है, सही है, अभी आपका फैमिली भी इधर है, फैमिली भी इधर है। और सबसे पहले है ना इटली में लाइसेंस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप लोग को कार्ड क्या चाहिए, इधर का कार्ड चाहिए? पहले इसका कार्ड परमिशन जोड़ना होती है, वो चाहिए स्टार्टिंग जो कार्ड होता है 2-3 साल का जो टीआरसी बोलता है, वो टीआरसी बोलता है, उसको पीआरसी बोलते पीआरसी बोलते हैं वो लेकर, उसके बाद भी वो प्रोसीजर होता है, वो डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं मोटर जिससे होने में, उसका मोटर जिससे होने में डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको भर दो बस वहाँ पर दे दो, फिर आपका एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर वो तैयारी साथ में करता रहता है, मतलब वो पर भी उसका इसका एक है ना, पहले गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, फिर वो ट्रक का कर सकता है, बी कैटेगरी, बी कैटेगरी होनी चाहिए, फिर वो सी कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता सही है, बी फिर सी फिर डी, डी वो बस का बात नहीं है, बस का वो आसान ही है, मुश्किल नहीं है जी, उसका परसोने करना पड़ता है, इसका मिर्ची है जी। अभी सबसे पहले है ना भाजी, मैंने सुना था जैसे हम लोग है ना जो आदमी लोग इधर फैक्ट्री वर्कर में आता है काम के लिए है ना, और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ना इधर लाइसेंस के लिए? हाँ, सब कर सकते हैं, सब करते हैं, जैसे कोई आ जाए यहाँ पर वो स्टडी बेस पर आ जाए कोई, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टडी बेस के ऊपर स्टडी करेगा ना वो, पहले आकर यहाँ कर जी वो करेगा, उसके बाद फिर लाइसेंस का अप्लाई करेगा ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइसेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, लैंग्वेज जरूरी है ना, लैंग्वेज के बिना वो जो क्वेश्चन आएगा ऊपर वो जो कंप्यूटर के ऊपर वो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, वो लैंग्वेज ज्यादा नहीं आनी, वो 100 में से चलो 40% आनी चाहिए, फिर हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, पर टफ नहीं है, हो जाता है, वैसे नामुमकिन नहीं है। राइटिंग तो सेम होता है ना इधर, इंग्लिश सेम है, इंग्लिश है, आई ए बी सी डी यही सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये है, बाकी कंट्रियों के अलावा थोड़ा सा टफ है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, अभी जो लग जाता है आदमी जब करने फिर आसान लगता है जी। ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना, हमने अभी इतना अच्छा अभी ये हमारा छोटा सा ट्रक है आपको मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और नए आदमी लोग के लिए क्या है कोई प्रोसेस के लिए फाजी, जैसे हम लोग आ सकते हैं इधर जो पोलैंड का? हाँ, पोलैंड का आ सकता है, वो काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक ही लाइसेंस है ना यूरोप का, आप जो पोलैंड का लाइसेंस है यहाँ चल सकता है, चल सकता है, लेकिन अभी ऐसा होता है ना पोलैंड का लाइसेंस में ना हम लोग का कन्वर्ट किया था, हमारा नंबर आता है उसमें, वो नंबर से थोड़ा इधर प्रॉब्लम होता है वो नंबर हमारा फिर है ना 5 साल के बाद हट जाएगा, फिर बाद में आ सकता है, 5 साल कर सकते हो आप यहाँ पर कर सकते हो आप, वो मैंने तो जितने भी ड्राइवर देखे हैं यहाँ पर कोई भी लाइसेंस होता है यूरोप का वो यहाँ पर आकर जो रोमानिया का यहाँ चलता है, रोमानिया का मैंने कहा देगा, यहाँ पर ड्राइवर वो मिलते हैं रोमानिया के जी, वो लाइसेंस चल जाता है रोमानिया, उधर जो इटली का होता है, इटली का तो वो थोड़ा टफ है, इधर वर्क परमिट मिलता है पाजी, जैसे इधर ड्राइवर के लिए और कोई काम, यहाँ पर काम भी यहाँ पर बहुत है, ड्राइवरी का बहुत काम है, जैसे काम सुबह तो मिल जाता है, सुबह तो जल्दी मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती,
मैंने सुना था जैसे आदमी लोग है ना मेरे को पूछता है इंडिया से कोई नेपाल से है ना दुबई कतर से बोलता है हम लोग इटली में ड्राइविंग का जॉब मिलता है बोलता है उधर से तो आदमी नहीं लेके आता ना ड्राइवर का ना ना उधर से नहीं ये तो मैं क्लियर करने उधर से नहीं आता वो आदमी लोग एजेंसी है ना फ्रॉड करता है ना वो नहीं आता वो यहाँ ही लाइसेंस होता है ये अगर उसके पास होगा भी ना दुबई का होगा वो चलेगा नहीं यहाँ पर नहीं चलेगा वो कहते हैं हमारा करो इटली का जी यूरोप का यहाँ पर लीगल है यहाँ पर कोई दो नंबरी का काम नहीं चलता अगर कोई करके भी आ जाए जैसे तो मैं इंडिया का लेकर आ जाऊँ नहीं चलेगा यहाँ पर वो नहीं चलाने देंगे वो बस गाड़ी चला सकते हैं घर की बस लेकिन लेकिन बड़ा गाड़ी के लिए कोई भी आदमी कोई किसी का बस यूरोप का चल सकता है जर्मन का ग्रीस का पोलैंड का चल सकता है लेकिन गल्फ नेपाल इंडिया पाकिस्तान नहीं चल सकता बड़ा लाइसेंस कोई भी हैवी हो जाए नहीं चलेगा कोई भी भाई लोग है ना ऐसा आदमी लोग एजेंट बोलेगा तो नहीं आने का नहीं नो 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 लेकिन लेबर में आ सकता है ना लेबर में आ सकता है लेबर में आके फिर वो अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर फिर वो अपना लाइसेंस कर सकता है अपना लाइसेंस बना सकता है लेबर में वो पढ़कर वही स्टडी करके लेबर में आके आदमी लोग भाई लोग लेबर में आ जाए पहले हम भी लेबर में आए थे लेबर के बाद फिर 7-8 साल लेबर में लगाए फिर उसके बाद हम लाइसेंस हो गए लाइसेंस करने लग गए ऐसा ही है ये तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि अभी यूरोप से स्टार्ट किया था 3-4 साल हो गए हैं तो अभी अच्छे ट्रेन हो गए हैं बहुत अच्छा लगा अभी हम लोकल ही चलाते हैं दूर नहीं जाते यहाँ पर अब हम इटली से बाहर नहीं जाते इटली में चलाते हैं तो सही है ये बहुत अच्छा लगा आपका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा आपका इन्फॉर्मेशन बहुत धन्यवाद है ना थैंक यू क्योंकि ये आप लोग दूसरे भाई लोग के लिए मोटिवेट होता है वो तो है वो तो वो जब देखेंगे चलो मोटिवेट क्या होता है जब जिसने करना होता है वो कर ही लेता है उसको बहाना नहीं चाहिए ओके थैंक यू अच्छा लगा आपको मिलकर आज हमारा भाई का ये ट्रक हम लोग पार्किंग मिला और भाई अनलोडिंग करके आ रहा है और भाई का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए मिला बहुत थैंक यू भाई को ओके भाई अभी जा रहे हैं ओके बाद में मिलेगा और सिद्धि भाई का इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कैसे लगा आप लोग कमेंट कर सकता है और भाई को थैंक यू सो मच जो भाई ने हम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला और बहुत थैंक यू भाई को हैव अ सेफ ड्राइव वेलकम टू इटली वेरोना सिटी आप लोग देख सकते हैं वेरोना उत्तरी इटली के बेनेटो क्षेत्र में एक शहर है जो घुमावदार एडिस नदी के बीच बना एक मध्ययुगीन पुराना शहर है ये शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की पृष्ठभूमि होने के लिए प्रसिद्ध है एक आंगन के ऊपर एक छोटी सी बालकनी वाला 14वीं सदी का निवास जूलियट का घर कहा जाता है वेरोना एरिना एक 20 साल पहली सदी का रोमन एम्पी थिएटर है जहां वर्तमान के में संगीत कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर ओपेरा प्रदर्शन आयोजित किया जाते हैं अभी आप लोग देख सकते हैं शानदार जगह उस जगह पर घूमने का मौका मिलेगा जहां प्राचीन रोमन लोग बैठकर 2000 साल बाद हुए खूनी ग्लैडिटोरियल युद्धों को देखते थे साल के आखिरी में यहां ओपेरा देखना पसंद करूंगा जो अभी भी शामिल है और स्टेडियम जैसे बनाया था जिसके अंदर बैठ के 30,000 आदमी और देख सकता था उस टाइम में ना जो जानवर के साथ लड़ाई होता था वो देखने के लिए बनाया था और अभी जैसा स्टेडियम आप लोग ने देखा आप लोग भी वेरोना विजिट करने के लिए आ सकता है और ब्यूटीफुल है आप लोग देख सकता है ये पानी है ना पीने के लिए रखा है ऐसा होता है इधर का यूरोप का जो इटली का सिस्टम जब आप जूलियट और रोमियो से मिलने के लिए यात्रा करते हैं तो वेरोना एरिना जाना ना भूले हल्कि ये रोम के एरिना से छोटा है वेरोना का खूबसूरत पुराना एरिना आरम्भ करने और वास्तुकला की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए एक अच्छी जगह है आप साल में कुछ बार ओपेरा भी देख सकते हैं आप लोग विजिट कर सकते हैं वेरोना आप लोग भी इधर आके ना शॉपिंग कर सकते हैं वेरोना का निर्माण करने का फैसला किया जो इटली में सार्वजनिक मॉल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली पहली इमारतों में से एक बन गई और आप लोग देख सकते हैं लोम्बार्डी टावर का निर्माण किया गया जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया और पूरा किया था आप लोग भी विजिट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब